ट्रेन में अक्सर लोग खाना लेकर जाते हैं तो ख़राब हो जाता है और उन्हें बाहर से मंगा कर अनहेल्दी खाना खाना पड़ता है। तुम एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जो 2 दिन से 3 दिन तक ट्रेन में ले जाइए और ख़राब नहीं होता है और हेल्दी भी रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेन में जाने के लिए एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जो कि 3 दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो हम बनाने वाले हैं अप्पे पैन में सत्तू भरी लिट्टी। तो सबसे पहले हम लिट्टी के लिए सत्तू का मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए 1 कप हमने सत्तू लिया है। इसमें स्वादानुसार हम नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच अजवाइन को हाथ पर मसल के डालेंगे। अजवाइन मसलने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बड़े चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे। अगर आपको तीखा खाना है तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरवा लाल मिर्च का अचार का मसाला और 1 टेबल स्पून उसी अचार का तेल डालेंगे। 1 नींबू का रस डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च का अचार का मसाला और उसका तेल डालने से सत्तू बहुत ही चटपटा बनता है और लिट्टी का स्वाद बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें आम के अचार का भी मसाला मिला सकते हैं। सत्तू का मसाला तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा हथेली पे रख कर टेस्ट कर लेंगे कि नमक कैसा है। नमक इसमें चटपटा रहता है। अब हम आटे की तैयारी करते हैं। हम 3 कप आटा लेंगे, यानी कि 1 कप सत्तू है तो 3 कप आटा लगेगा। आटे के बीच में गड्ढा करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे या फिर घी डालेंगे। फिर से 1/2 चम्मच अजवाइन हम हथेली पे क्रश करके डालेंगे। हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि सत्तू में भी हमने नमक डाला है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल पड़ने से आटे में थोड़ी गांठें पड़ जाती हैं, तो इसलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। हमने इसमें एक सीक्रेट रेसिपी बताया है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा सफ़र के लिए। नमक तेल आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम फिर से 1 गड्ढा करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम नरम आटा गूँथ लेंगे। आटा हमें रोटी की तरह नहीं गूँथना है, रोटी से थोड़ा सा टाइट गूँथेंगे। इस लिट्टी को हम सफ़र पे ले जाने के लिए बना रहे हैं, यानी कि ट्रेन के सफ़र के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम चोखा नहीं बना रहे हैं। चोखा हमने 2-3 तरह का बना के अपने चैनल पे डाल रखा है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आटा तैयार करते करते हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। आटा लगभग गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। लगभग हमने 1 घंटे के लिए इसे ढक के रखा था, जिससे आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा और उस देर सत्तू में जो नमक पड़ा है नमक भी पिघल कर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हम आटे को फिर से मसल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। आटा तैयार हो चुका है। हम आटे से छोटे छोटे इसके पोर्शन काट लेंगे। क्योंकि हम लिट्टी अप्पे पैन में बनाएंगे, इसलिए पतली रोटियों के आकार के लोइयां बना लेंगे। अब एक एक पोर्शन उठाएंगे और उसे गोल लोई का आकार दे देंगे। हाथ में हम सूखा आटा लगाकर लोई बनाएंगे तो लोई बहुत ही अच्छा बनता है, यानी कि गोल गोल बनता है, हाथ में चिपकता भी नहीं है। अब लोई को अंगूठे की सहायता से कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए अब इसमें हम सत्तू भरेंगे। इस लोई में लगभग 1 टेबल स्पून सत्तू भर जाता है। आप चाहें तो स्पून की सहायता से भी सत्तू इसमें भर सकते हैं। हम लोगों को आदत हो गई है, इसलिए हम लोग हाथ से ही भर लेते हैं। अब सत्तू को अंगूठे से दबाते जाएंगे और चारों तरफ से आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे हमने इकट्ठा किया है, ये अंगूठे के बीच में रख के
और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे और लोई को फिर से हम गोल कर देंगे। जैसे जैसे हमने इसे गोल किया है आप वैसे वैसे करें, वरना इसका मुंह खुल जाता है। आप चाहें तो इस लिट्टी को तलकर भी बना सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा लोई तैयार कर लेंगे। फिर से हम कटोरी का शेप देंगे। एक टेबल स्पून जितना सत्तू डालेंगे और आटे को चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए बंद कर देंगे। सत्तू को अंगूठे से दबाते जाएंगे। सत्तू को दबाने से सत्तू बाहर नहीं आता और लोई अच्छे से बन जाती है। ये देखिए, हमने सारे लिट्टी में सत्तू भरकर तैयार कर लिया है। अब आ गई लिट्टी को सेंकने की बारी। इसके लिए हमने गैस पे पहले से अप्पे पैन चढ़ा के रखा है। ये देखिए गर्म हो गया। अब इसे हम हल्के तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक कर लिट्टी भरी हुई डाल देंगे, यानी कि अरेंज कर लेंगे इसमें हम। सारी लिट्टियां अरेंज हो गई हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। बीच बीच में हम चेक करेंगे, लिट्टी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसे हम पलट देंगे। किसने किसने सेकी हुई लिट्टी खाई है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस लिट्टी का टेस्ट भी वैसा ही आता है जैसे है कि आग पर सेक कर या फिर गोइठे में सेक कर बनाया गया है। ऐसे ही हम लिट्टी को पलट पलट कर सेंकते जाएंगे। ये देखिए हमने फिर से इसको पलट दिया है। लिट्टी का जो भी साइड कच्चा लगे उसे हम पलट कर नीचे कर देंगे और इसे ढक कर फिर से सेकेंगे। ढक कर सेकने से बिल्कुल ये कच्चा नहीं रहता, ये अच्छे से पक जाता है। अब देखिए लिट्टी तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसी आटे और सत्तू से हमने थोड़ा सा पराठा भी बना लिया था ट्रेन में ले जाने के लिए, क्योंकि लिट्टी और सत्तू का पराठा 2 से 3 दिन तक आराम से टिक जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो जब भी आप सफ़र में जाएं तो लिट्टी या सत्तू का पराठा ज़रूर बनाएं। इधर लिट्टी भी तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब इसकी हम पैकिंग करेंगे। लिट्टी को गरम गरम पैक करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ट्रेन में लिट्टी को खाने के लिए आप अचार रख लें, अचार के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। हमने तो लिट्टी के साथ खाने के लिए हरे धनिया की चटनी बनाई थी और अचार भी रख लिया। चटनी को भी 2 दिन तक टिकाने के लिए हम एक सीक्रेट तरीका बताते हैं। धनिया की चटनी जब पीसिए तो आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ चिली सॉस उसमें मिर्च की जगह पे मिला दीजिए। चिली सॉस मिलाने से प्रिजर्वेटिव का काम करता है, क्योंकि चिली सॉस में प्रिजर्वेटिव मिला हुआ होता है, जिससे धनिया की चटनी 2 दिन तक ख़राब नहीं होती है। लिट्टी को हम हाथ से भी तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए कैसा बना है, कितनी आसानी से ये टूट गया। लिट्टी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।